हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमन अग्रवाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कैमरा के बारे में, किसके, पिक्सल 4a के बारे में। मैं ये फ़ोन पिछले 6 महीने के आसपास से यूज़ कर रहा हूँ, तो आई थॉट कि दिस इज़ द राइट टाइम टू रिव्यू द कैमरा, बिकॉज मैंने इससे काफ़ी सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ऑलरेडी ली हैं, तो आई थॉट वाई नॉट शेयर इट विद यू गाइज। तो सबसे पहले बात करते हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की। इसमें एक सिंगल कैमरा सेटअप है, 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, और बाकी सारी डिटेल जो हैं वो अभी आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रही होंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। हार्डवेयर अगर देखें तो इतना कुछ इम्प्रेसिव नहीं लगता, लेकिन जब इस हार्डवेयर को हम गूगल के सॉफ्टवेयर के साथ रिलेट करते हैं, द रिज़ल्ट इज़ अमेजिंग। मेरे पास कुछ सैम्पल फ़ोटोज़ और कुछ सैम्पल वीडियोज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा अभी कुछ देर में, तो आप लोग खुद देख सकते हैं कि इसकी कैमरा क्वालिटी कैसी है। सो लेट्स जंप इनटू द कैमरा ऐप। काफ़ी क्लीन इंटरफेस है गूगल का, जैसे कि आप देख सकते हैं मेन स्क्रीन है, तो यहाँ से आप इसको 4:3 या 16:9 की रेशो जैसा भी आपको चाहिए वैसा कर सकते हैं। बाकी फ़ीचर्स अगर हम देखें तो टाइमर का ऑप्शन है 3 सेकेंड, 10 सेकेंड, मोशन फ़ोटोज़ का ऑप्शन है, लाइव फ़ोटोज़ आपने सुना होगा आईफोन में भी रहती है, फ्लैश का ऑप्शन है। इसके अलावा अगर हम सेटिंग्स में जाएं तो लोकेशन, गूगल लेंस, सोशल शेयर, जेस्चर्स, इसमें अगर आप यहाँ साइड में देखें तो हाईलाइट और शेडो स्लाइडर दिया हुआ है, तो आप फ़ोटो में ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये सबसे एक यूनिक और सबसे हेल्पफुल फ़ीचर मेरे को लगा, अगर आपको ब्रॉड डेलाइट या नाइट में फ़ोटोग्राफी करनी है तो इसका आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं एक पर्टिकुलर लुक के लिए। तो जैसा आप देख सकते हैं, जैसे मैं हाईलाइट स्लाइडर को ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो ये बहुत अच्छे से उसको कंट्रोल कर रहा है। सेम इज़ विद द शेडो स्लाइडर, अगर आप इसको ऊपर करते हैं तो शेडोज़ ब्राइट होती हैं, और आप इसको नीचे करते हैं तो शेडोज़ डार्क होती हैं, और ये ही हाईलाइट का है। हाईलाइट को अगर बढ़ाएंगे तो हाईलाइट बढ़ेगा, और घटाएंगे तो हाईलाइट घटेगा। इसके अलावा बात करें, पोर्ट्रेट मोड इसमें दिया हुआ है एक, जिसमें हल्का सा जूम होता है, अगर आप नोटिस करें तो ये नॉर्मल मोड है, और ये पोर्ट्रेट मोड है जिसमें हल्का जूम होता है। इसके अलावा वीडियो में हमें स्लो मोशन का एक ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें आप 1:4 या 1:8 की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। टाइम लैप्स का ऑप्शन अवेलेबल है डायरेक्टली फ्रॉम द फ़ोन, 5x, 10x, 30x और 120x। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप इस हैंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टैंडर्ड सिनेमैटिक पैन अवेलेबल है, ये सिनेमैटिक वीडियोस के लिए है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपकी वीडियो 0.5x पे शूट होगी, मतलब स्लो मोशन में शूट होगी, और ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होगा। तो मोड्स में अगर हम जाएँ तो यहाँ पैनोरामा, फोटोस्फेयर और गूगल लेंस अवेलेबल है। इसके अलावा अगर हम नाइट साइड पे जाते हैं तो यहाँ पे थिंग्स गेट रियली सॉसी, क्योंकि नाइट साइट इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं आपको कुछ अभी सैंपल्स भी दिखाऊंगा। तो अगर हम सेल्फ़ी कैमरा की बात करें तो स्टैंडर्ड 8 या 5 मेगापिक्सल का है, आप देख सकते हैं, तो नथिंग ग्रेट हेयर इस, मतलब सेल्फ़ी एक स्टैंडर्ड नॉर्मल कैमरा है, इतना कुछ इसमें खास नहीं है। इसमें भी पोर्ट्रेट वगैरह अवेलेबल हैं, इसमें भी हल्का सा जूम होता है, बाकी वीडियो आप नॉर्मल इसमें 1080p तक ले सकते हैं। और अगर मैं बैक कैमरा से बात करूं तो इसमें हम तो वीडियो हम इसमें फुल HD और 4K ले सकते हैं, और फ्रेम अगर हम 4K करें तो इसमें 60 फ्रेम का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, सिर्फ 30 फ्रेम में ले सकते हैं, बट फुल HD में आप 30 और 60 दोनों वीडियोज़ आप इसमें शूट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कैमरा ऐप के बारे में। अब मैं आपको कुछ सैंपल फ़ोटोज़ और वीडियोस दिखाता हूँ जो मैंने इससे शूट किया है। ये सारी रॉ फ़ोटोज़ हैं, इनको मैंने एडिट नहीं किया है। तो जैसे ये एक फ़ोटो है जो मैंने दिवाली के टाइम पे ली थी, इसके अलावा ये एक फ़ोटो है जो ऐसी रैंडमली मैंने, ज़्यादातर आप देखेंगे नाइट की फ़ोटोग्राफ्स हैं ये जो मैंने ये ली हैं। ये पोर्ट्रेट मोड की एक फ़ोटो है, तो आप देख सकते हैं क्योंकि इसका अपर्चर काफ़ी कम है तो नेचुरल बुके आपको मिलता है। ये ताजमहल पे मैंने ली थी, ये सारी इसी फ़ोन की फ़ोटोज़ हैं। ये जयपुर में जा रहा था तब की एक फ़ोटो है, बिल्कुल लाइट नहीं थी यहाँ पे, तो सिर्फ और सिर्फ नाइट साइट पे, नाइट मोड पे मैंने इसको डाल के
ये फ़ोटो क्लिक की थी। ये फ़ोटो मैंने गोरखपुर स्टेशन पे ली थी, सनराइज़ की एक फ़ोटो है। इसके अलावा ये बनारस जंक्शन की एक फ़ोटो है, ये भी मेरी वाइफ की फ़ोटो है एक, जो मैंने हाईवे पे एक ली थी, हम कहीं जा रहे थे। ये भी इसी के नाइट मोड की ही ये फ़ोटो है। ये कुछ 2x मोड पे जूम करके मैंने कुछ मैक्रो शॉट्स इसमें लेने की कोशिश की थी। ये फ़ोटो मैंने ली थी लुधियाना में, और इसकी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ सेटिंग्स। मैंने उसी टाइम पे इसको शूट किया था। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से हाईलाइट और शेडो कम करके, ये थोड़ा टाइम लेता है प्रोसेसिंग में जैसा कि आप देख सकते हैं, तो क्योंकि नाइट फ़ोटोज़ को प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो क्लिक करने में और प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लेगा, बट द रिज़ल्ट्स आर रियली गुड। ये एक गंगा घाट की फ़ोटो है। दिस इज़ बाय फार माय बेस्ट फ़ोटो, और आई वुड से माय फेवरेट फ़ोटो। ये लाइटनिंग की फ़ोटो मैंने ली थी अपने घर से, जस्ट खड़े होके हैंड हेल्ड ये फ़ोटो है। कोई गिम्बल, कोई ट्राईपॉड, कोई स्टैंड मैंने इसमें यूज़ नहीं किया था, तो नॉर्मली हैंड हेल्ड ये फ़ोटो है नाइट मोड पे डाल के। और ये अगेन कुछ मैक्रो शॉट्स। इसमें एक एस्ट्रो फोटोग्राफी का ऑप्शन अवेलेबल है, जो कि ऑन करना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे ऑन करना है। जब आप नाइट साइड पे जाएंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे, तो आपको यहाँ पे कोई एस्ट्रो फोटोग्राफी का ऑप्शन नहीं दिखता, बस एक ऊपर दिखता है ऑटो या फिर ऑफ़। मतलब ऑटोमेटिकली आप इसको ऑन कर सकते हैं या ऑफ़ कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इसको ऑन करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं इसमें आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये एस्ट्रो फोटोग्राफी का ऑप्शन ऑन होता है। इसके लिए आपको इसको एक स्टेबल सरफेस पे रखना होगा, नाइट मोड पे डाल के, और जैसे आप देख रहे हैं एस्ट्रो फोटोग्राफी ऑन। तो जब आप इसको क्योंकि एस्ट्रो फोटोग्राफी का मतलब ही यही है कि जब आप मतलब लॉन्ग एक्सपोजर शॉट्स, लॉन्ग शटर शॉट्स जो होते हैं नाइट में स्टार्स कैप्चर करने के लिए, ऑल्दो मैंने इसका यूज़ नहीं किया है अभी तक, तो एस्ट्रो फोटोग्राफी तभी होती है जब आप उसको एक स्टेबल सरफेस दें, वरना फ़ोटो में बहुत ज़्यादा शेक वगैरह रहेगा। तो उसके लिए आपको इसको एक ट्राईपॉड पे रखना ही पड़ेगा, तभी आप एस्ट्रो फोटोग्राफी ऑन कर सकते हैं। और इसमें जो एक सबसे यूनिक फीचर जो मैंने देखा, जो आज तक मैंने किसी कैमरा एप्लीकेशन में नहीं देखा है, इसमें अगर यहाँ पर देखेंगे एंगल दिखाता है कि आपकी जो फ़ोटो है वो किस एंगल पर टिल्टेड है। तो अगर आपको फ़ोटो एकदम स्ट्रेट टू होराइज़न के लेवल पर लेनी है, तो यहाँ पे जैसे 0 डिग्री आता है तो एक वाइब्रेट भी करता है। मैं फ़ील कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकते, बट जैसे ये 0 डिग्री पे आता है तो आप ये इंश्योर कर सकते हो कि आपकी फ़ोटो एकदम हॉरिजॉन्टल है, लेफ्ट मतलब वो राइट या लेफ़्ट की तरफ ज़्यादा झुकी हुई नहीं है, एकदम सेंटर में हॉरिजॉन्टल के साथ एकदम लेवल पे है। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है। और सेम इसमें फ्लैट ले के लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है। सिमिलरली अगर आप टॉप डाउन शॉट लेते हैं फ्लैट लेस के लिए, तो उसमें भी ये एक ऑप्शन अवेलेबल है। जब आप इसको सेंटर टू सेंटर मिलाते हैं तो ये आपको एक हल्की सी वाइब्रेशन होती है, जिसका मतलब आपका फ़ोन अभी एकदम स्ट्रेट है, मतलब ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ नहीं झुका हुआ है। तो ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है फ्लैट लेज और हॉरिजॉन्टल फ़ोटोज़ लेने के लिए। यू कैन बी श्योर कि आपकी फ़ोटो एकदम फ्लैट है या एकदम हॉरिजॉन्टल है, लेफ़्ट या राइट की तरफ झुकी हुई नहीं है। तो कैमरा सेटअप आपने देखा, फ़ोटोज़ आपने देखी। नाउ माई फाइनल वर्डिट एज अ फोटोग्राफर, If you're only shooting for Instagram and Facebook, great camera. Hands down, great camera. Nothing to regret of buying this phone. But एक जो कमी मेरे को लगती है वो है बस एक वाइड एंगल लेंस की। अगर वाइड एंगल लेंस और ले देते दैट्स ऑल, मुझे और कुछ नहीं चाहिए था इस फ़ोन से। लेकिन अभी भी मेरी 95% नीड्स को ये कैमरा फुलफ़िल करता है, और जो भी मैं स्टोरीज डालता हूँ इंस्टाग्राम पर वो डायरेक्टली इसी फ़ोन से होती है। जो सबसे अच्छी बात है इसकी वो है नाइट मोड। इसका अपर्चर बहुत कम है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको डे लाइट में अच्छा बुके मिलेगा और नाइट मोड में अच्छी फ़ोटोज़ मिलेंगी विदाउट एनी नॉइस। सो दिस इज़ वन प्लस पॉइंट। और दूसरा जो प्लस पॉइंट है वो है इसका सॉफ्टवेयर। गूगल का अपना इसमें सॉफ्टवेयर है, तो कैमरा ऐप जो है वो बहुत मिनिमम है और बहुत ज़्यादा सही इंटरफेस है और बहुत अच्छी इमेज प्रोसेस आपको करके देता है। सो दैट्स माई फाइनल वर्डिक्ट। और जल्दी मैं इस फ़ोन का कंप्लीट रिव्यू भी देने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो हो सकता है मेरी वही हो। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लाइक दिस वीडियो एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू आर नोटिफाइड व्हेनेवर आई एम अपलोडिंग अ न्यू वीडियो। एंड विद दिस
I take your leave and we will meet soon in the next video. Thank you.